हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली। आज की स्टूडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अपने डाटे को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सॉर्ट या सॉर्टिंग होता क्या है। सॉर्टिंग एक ऐसा मेथड होता है या टेक्निक होता है जिसकी हेल्प से हम अपना डाटा अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एस से नाम आ रहा है, अगेन एस से, फिर डी से, देन यहाँ पर देखिए फिर बी से। मैं चाहता हूँ कि डाटा मेरा सीरियल वाइज आए, मीन टू से पहले ए वाले नेम्स आएँ, देन बी वाले, देन सी वाले, देन अप टू सॉन, जैसा हमारे डिक्शनरी में होता है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने पूरे डाटे को सिलेक्ट करेंगे, कि याद रखिए हेडिंग्स भी आप बीच में इंक्लूड करेंगे। सो मैंने डाटा पूरा लास्ट तक सिलेक्ट किया, यहाँ तक मेरा टोटल डाटा था, टोटल स्टूडेंट्स के रोल नंबर थे, टोटल 47 स्टूडेंट्स थे। देन आफ्टर डैट मैं होम टैब में गया, होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आ रहा है सेकेंड लास्ट ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर क्लिक कर दीजिए। देन आफ्टर डैट थर्ड ऑप्शन आ रहा है कस्टम सॉर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपने यहाँ जो डाटा लिया है वो सॉर्ट किसके अकॉर्डिंग करना है, मुझे करना है नेम के अकॉर्डिंग। ऑर्डर में देखिए ए टू जेड मीन्स अल्फाबेटिकली आप ए वाले पहले, देन बी, देन अप टू सॉन, देन जेड टू ए मीन्स पहले जेड वाले नेम्स, देन वाई, देन एक्स, देन सॉन, जो भी कैंडिडेट्स के आपके नेम आपकी लिस्ट में है उसके अकॉर्डिंग आपका सारा डाटा अरेंज हो जाएगा। फिलहाल मुझे ए टू जेड करना है। और यहाँ पर देखिए मैंने रोल नंबर 4 को एक और रोल नंबर डाउन में है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, सो डैट मुझे ये पता लग जाए कि जो मैंने इसके साथ डिटेल लिखी है स्टूडेंट की, जैसे इसका जो एडमिशन नंबर है 4321 है, रोल नंबर 4 है, नाम दामिनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन उसकी डेट ऑफ बर्थ। देन जब मैंने ओके किया तो ये देखिए पूरा जो मेरा डाटा था वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया। सबसे पहले देखिए ए वाले नेम्स आ गए, देन लास्ट में मेरा आएगा यहाँ जो वी से नेम है, और जो एक रिकॉर्ड बीच में ब्लैंक था, हो सकता है वो कैंडिडेट का नया एडमिशन हो या वो स्कूल छोड़ गया हो, तो इसको आप डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर रो को राइट क्लिक करेंगे इस पर, देन डिलीट, देन इंटायर रो, ये देखिए वो कैंडिडेट रिमूव हो गया। अब देखिए मुझे पता कैसे लगा डाटा सॉर्ट हो गया, यहाँ पर देखिए रोल नंबर्स चेंज हो गए सारे, और जो मेरा पूरा रिकॉर्ड वो मूव हो गया अकॉर्डिंग टू देयर नेम, जो भी उसका अल्फाबेट था उसके अकॉर्डिंग उसका नाम यहाँ से मूव हो गया। नाउ अब मुझे रोल नंबर्स भी चेंज करने हैं। रोल नंबर्स कैसे चेंज करेंगे इस प्रोसेस को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रोल नंबर मैंने लिखा यहाँ 1, देन 2। अब 1 और 2 को आप सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ जब मैं 2 के जो मेरा सेल है उसके राइट डाउन कॉर्नर में कर्सर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ सिंपल देखिए चेंज हो रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक लास्ट तक जितने भी आपके कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। इनको आप यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं होम टाइम में, दिस वन सेंटर। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। एक और मैं यहाँ से रिकॉर्ड ले रहा हूँ स्टूडेंट की जो मास्टर फाइल है उसका, यहाँ पर भी मुझे डाटा सॉर्ट करना है। सो अगेन मैं यहाँ से हेडिंग से लेकर लास्ट तक डाटा मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर भी देखिए कुछ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैं बीच में, दिस वन लेफ्ट है, दिस वन लेफ्ट है, और ये 38 जो रोल नंबर है वो ट्रांसफ़र हो गया है। सो मैं ये ट्रांसफ़र वाला यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ना भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपका डाटा सॉर्ट होके आएगा वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। सो अगेन मैंने डाटा सेलेक्ट किया, देन आफ्टर होम टैब में गया, यहाँ पर देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर आ रहा है। देखिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, सो अब मैं यही प्रेफर करूँगा कस्टम फिल्टर यूज़ करें या कस्टम सॉर्ट यूज़ करें। अगेन यहाँ पर चूज़ करें कि आप किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, नेम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। कई बार हेडिंग्स में नेम ऑफ द स्टूडेंट होता है स्टूडेंट नेम, ये भी ध्यान में रखें कि आपकी जो फाइल है उसमें यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम है उसकी हेडिंग क्या दी गई है। देन यहाँ पर जो मेरी सेटिंग है पहले से है ए टू जेड है, देन मैंने ओके किया। देन यहाँ पर देखिए ए बी, ए एम, ए एम, आपको पता है कि जैसे आपकी डिक्शनरी वर्क करती है सेम ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर की डिक्शनरी है वर्क करती है, बिकॉज जो कंप्यूटर है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डिक्शनरी वर्क करता है। सो यहाँ पर देखिए डाटा मेरा अरेंज हो गया है, ये लेफ्ट है, सो लेफ्ट को आप सेम मेथड राइट क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए, पूरी रो है यहाँ से रो कर देंगे। अगेन फिलहाल रोल नंबर 38 भी नहीं है, इसको भी राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए, डिलीट इंटायर रो। ऐसे आपका डाटा देखिए सॉर्ट हो गया। रोल नंबर भी सेम वैसे ही चेंज करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे 1, सेकेंड सेल में 1 लिखेंगे और दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, या जो मेरा सेकेंड सेल है उसके राइट डाउन कॉर्नर में देखिए सिंबल जो मेरा यहाँ चेंज हो रहा है प्लस का, इसको डबल क्लिक कर दीजिए। अगर आपने डबल क्लिक नहीं करना तो आप क्या करेंगे, 1, 2 को पकड़ेंगे, यहाँ पर देखिए जो सिंबल आ रहा है प्लस का उसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दीजिए। जितने भी आपके रोल नंबर्स है क्लास में वो सारे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स से करके देखिए,
इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास अगर आप मैन्युअली करते हैं तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सॉर्टिंग में। सो ये प्रोसेस करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, सो डैट वो भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके अपने काम को ईजी कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।